वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती रिजल्ट पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की लापरवाही खुलकर अब सामने आने लगी है। रिजल्ट में तो कई खामियां अभी तक दिखी रही थी, लेकिन अब ऐसे छात्र जिनके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी थी, कमी थी, रिजल्ट भी जारी हो गया और ये अब डीवी में भी पास हो गए, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग भी पकड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर न्यूज़18 ने बड़ा खुलासा किया है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। रिजल्ट के साथ वेरिफिकेशन पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। रिजल्ट तो मान लीजिए आपने जारी कर दिया क्योंकि आपसे वहाँ गलती हो गई, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में रिजल्ट जारी हुआ, ठीक है। लेकिन डीवी में कैसे गड़बड़ी हो रही है? क्या डीवी में भी हड़बड़ी है कि हमको जल्दी से सब कुछ कंप्लीट करना है? इस जल्दबाजी की वजह से लाखों छात्रों के सपने टूटे हैं, हौसले टूटे हैं। छात्रों ने चेतावनी दिया है कि अब बहुत बड़ा आंदोलन वो करेंगे पटना में बहुत ही जल्द। देख सकते हैं न्यूज़18 ने अभी अभी ये जानकारी दी है। रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप, अभ्यर्थियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा है और फर्जी अभ्यर्थियों की पूरी सूची छात्रों ने, देख सकते हैं के पाठक को भी छात्रों ने सूची भेजी है, लेकिन ये वो सूची है जो छात्रों के पास अवेलेबल थी। मेन काम तो बीपीएससी को ही करना है, उन्हीं के पास सारा डेटा है किस प्रकार से ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसको अब दूर करने की ज़रूरत है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी काफ़ी गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। एस्टेट और बीटेक की डिग्री पर सवाल। एस्टेट के बाद बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना बीटेक या ग्रेजुएशन वगैरह किया है, ये सभी छात्र फर्जी हैं, इनका डीवी भी हो गया, पहले एस्टेट किया बाद में बीसीए और बीटेक किया, तो ऐसे छात्रों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको पता ही होगा कि माध्यमिक कुछ माध्यमिक का एक बार पहले भी डीवी हो चुका है, फिर से डीवी हुआ, इसके बावजूद जो गड़बड़ी है वो अभी तक दूर नहीं हो पाई। फर्जी कैंडिडेट के रिजल्ट का आरोप लगाया जा रहा है। छात्रों ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है, यदि मामला क्लियर नहीं हुआ तो बहुत ही जल्द बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ देख सकते हैं रजनीश कुमार न्यूज़18 के जो पत्रकार हैं, इन्होंने बताया कि पश्चिमी चंपारण में डीवी के दौरान महिला अभ्यर्थी नहीं पकड़ में आई, वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग के लिए भी भेज दिया गया। डीईओ कार्यालय के पत्र पर महिला अभ्यर्थी की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। बीएड अभ्यर्थी हैं प्राइमरी में, इनका रिजल्ट आया। जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, तो कैसे फिर इनका रिजल्ट आ रहा है? पूरा इन्होंने इसका स्कोर कार्ड, इनका एडमिट कार्ड, इनका जॉइनिंग लेटर सब कुछ इन्होंने शेयर कर दिया है। तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। अभी तक तो छात्र ये आरोप लगा रहे थे कि बीएड का रिजल्ट आ गया है प्राइमरी में, लेकिन अब तो खुलकर चीज़ें सामने निकल कर आने लगी हैं। छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द इस रिजल्ट पर रोक लगाया जाए, नई सूची जारी की जाए। कुछ छात्रों का तो ये मांग है कि पूरी भर्ती को रद्द किया जाए, फिर से आवेदन लिया जाए सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों से और साफ सुथरे तरीके से परीक्षा कराकर रिजल्ट जारी किया जाए। इस भर्ती में काफ़ी गड़बड़ी हो गई है, जल्दबाजी के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। थोड़ा सा भी समय नहीं मिला बीपीएससी को कुछ चीज़ों को करने का और अब इतनी हड़बड़ी है कि तुरंत उसी दिन डीवी, उसी दिन ज्वाइनिंग और उसी दिन प्रशिक्षण शुरू। क्या हड़बड़ी है इतना, क्या जल्दबाजी है 2 नवंबर को ही ज्वाइनिंग लेटर देने का? जो छात्र गड़बड़ हैं आप तो उनको भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं इस समय, बाद में ये सारी चीज़ें समस्या करेंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों से नाराज़ होकर छात्र अब बड़ा आंदोलन पटना में करेंगे। जल्द ही डिसाइड होगा कि कब से क्या करना है। पहले नियोजित शिक्षकों का मामला सामने आया। रजनीश कुमार जी ने ही बताया कि लगभग 40 से 42 हज़ार नियोजित शिक्षक इस भर्ती में पास हुए हैं, जबकि नई नियमावली तैयार हो गई है नियोजित शिक्षकों की और दुर्गा पूजा के बाद कैबिनेट से मुहर लग जाएगी। इसके बाद इनको राजकर्मी का दर्जा बनाने का जो पूरा रास्ता वो साफ हो जाएगा। फिर इन नियोजित शिक्षकों को क्यों बीपीएससी की फ्रेश भर्ती पर ज्वाइनिंग दिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। सब मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की ज़रूरत है, नहीं तो शिक्षक अभ्यर्थी खासा नाराज है और आंदोलन को मजबूर भी है। आगे और कोई अपडेट निकलती है, सूचना आती है तो आपको जानकारी दिया जाएगा। फिलहाल बने रहें हमारे साथ, पेशेंस रखें, संयम बनाए रखें, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, जो भी गड़बड़ी है रिजल्ट में उसे दूर किया जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।